बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। तोशा खाना केस में 14-14 साल कैद बामुशक्क़त हो गई है। इस पे और क्या हुआ है, बुशरा बीबी साहबा गिरफ़्तार हो चुकी हैं और जनाब इस पे बात करनी है, बहुत ही खुल के बात करनी है इसके तमाम पहलुओं पर। यह सज़ा कैसे हुई, मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा इन दोनों केसेस का फ़ैसला आया चाहता है इलेक्शन से पहले और वही हुआ इलेक्शन से। मैंने इसी हफ्ते का कहा था, उससे दूसरे दिन ही फैसला आ गया और उससे तीसरे दिन दूसरा फैसला आ गया। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यकीन कीजिए, अल्लाह जानता है, ये मैं वीडियो कर रहा था, वीडियो शुरू करने लगा, मेरे टीम के हेड की फ़ोन आ गया और उन्होंने वो डिस्कस किया। मैंने 10-15 मिनट उनके साथ डिस्कस किया पहले और वही बात कर रहे थे कि जी हमें कोई 10 जगहों पे ऐसे वाटर प्रोजेक्ट्स चाहिए जहाँ मसाजिद भी बिल्कुल करीब हैं और वो रमज़ान शरीफ भी आ रहा है और उनके पानी नहीं है बिल्कुल। तो वो मैंने कहा जी अल्लाह करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह के बंदे करेंगे और आपके तआमुन से हो रहा है। हम बिस्तर भी तकसीम कर रहे हैं, व्हील चेयर भी। वो मुझे बता रहे थे कि हमने मार किया हुआ है कुछ 4-5 लोगों के ना शुगर की वजह से टांगें कट गई हैं, तो उनको हमने व्हील चेयर भी देनी है और इंशाअल्लाह अल्लाह का काम भी जारी रहे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप भी चीज़ें आती रहेंगी और ये भी जारी रहेंगी। 14-14 साल कैद बामुशक्क़त साइफर अपना तोशाखाना केस में कल इमरान खान साहब को 10 साल कैद हुई थी। साइफर केस में नाअहली भी हो गई, नाअहली उनकी तोशाखाना के एक और केस में भी हुई है जिसमें जज हमायूं दिलावर साहब ने उनको 3 साल कैद और 1,00,000 का जुर्माना किया था और साथ ही जनाब अब 14-14 साल कैद बामुशक्क़त हो गई है और 1,57,40,00,000 रुपए जुर्माना हो गया है। 10 साल के लिए दोनों किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल हो गए हैं और खान साहब पर 78,70,00,000 रुपए जुर्माना और बुशरा बीबी साहबा पर भी 78,70,00,000 रुपए जुर्माना हुआ है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं बहुत जल्दी में सज़ा हुई है, ये एक अलग टॉपिक है, उनको अपील का राइट है, वो हाई कोर्ट भी जाएंगे फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हो सकता है हाई कोर्ट में ये उड़ भी जाए जैसे बहुत सारे आईनी और कानूनी माहरीन कह रहे हैं। हर बंदा यही कह रहा है कि बहुत सारे शवाहद थे, शवाहद बिल्कुल थे, उन इनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मसले थे, बहुत सारे मसाइल थे, गवाहान भी थे, सारा कुछ, लेकिन जल्दबाजी की गई। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी यही कहूँगा, एक अलग डिबेट है, ये टेक्निकल डिबेट है, ये उनके वकला जाने, वो जाने, हाई कोर्ट जाने, ये इस तरीके से। लेकिन एक बात है कि जो लेवल प्लेइंग बार बार कह रहे हैं जी, हमें तो किसी भी सूरत में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। कल भी सजा हुई, आज भी सज़ा हुई। मैं चैलेंज करके कहता हूँ किसी टीवी स्क्रीन पे आप ये दिखा दें। कल मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जिसमें साबिर शाकिर साहब बीपर दे रहे थे और ARY में पीछे आवाज़ आ रही थी मुबारक हो, ठीक हो गया ना, वो मुबारकबाद दे रहे थे। आज मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये भी बड़ा यूनिक वीडियो क्लिप है। ये उस वक्त है कि जिस दिन नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज साहबा, ये गालिबन 13 जुलाई थी क्योंकि 25 जुलाई को तो वो इलेक्शन हुआ था, 13 जुलाई को उनको सज़ा हुई थी और वो सज़ा, मैं बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि आज इमरान खान साहब का जज के साथ क्या मुकालमा हुआ, खान साहब ने ये क्यों कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है और ये क्या क्या सूरत हाल हुई है। तो 13 जुलाई को जब जिस दिन वो जेल गए, उस दिन उससे आगे वाले घंटे और फिर रात गए तक और दूसरे दिन तक ARY जैसा मालशिया पालशिया घटिया चैनल ये चलाता रहा, ये गाने के साथ अडियाला अडियाला के गाने के साथ ये सब कुछ चलता रहा। ये आप खुद देख लीजिए ये किस तरीके से वो चलाते। मुझे आप ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या आज किसी टीवी स्क्रीन ने ये मुबारकबादी के पैगाम चलाए, क्या आज किसी ने अडियाला अडियाला के गाने चलाए, किसी ने चलाया, किसी टीवी ने, जियो ने चलाया, किसी और ने चलाया, ये आप देख लें और फिर उसके बाद पूरी कौम का सर शर्म से झुक जाएगा।
ये बकवासियात हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड। भाई लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि साबर शाकिर जैसा गलीज इंसान, जो गलीज साफत, जो साफत नहीं गलाजत कर रहा था, उस जैसा आके यहाँ पे बैठे, गला चीर चीर के कहे कि मुबारक हो, और साथ इस तरह से सजा हो गई हो, पीछे से मुबारक मुबारक की आवाज़ें आ रही हों, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। अडियाला वाले इस तरह के गाने चल रहे हों, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये आप ये देखें ये किस तरीके के गाने चल रहे हैं। ये वो था कि जब नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज जब गई थी जेल, ये लीजिए। बादशाह सलामत और शहजादी के लिए नर्म मुलायम बिस्तर ना होंगे मैसर, ना होंगे एवनफील्ड अपार्टमेंट, ना जाती उम्रा के महलात, जेल में मच्छरों और खटमलों से होगा मुकाबला। बड़ी मार पड़ेगी तुम्हें अडियाला जेल, भेद तेरा करूंगी मियां। कहां फज्जे के पाए, कहां कीमे वाले नान, जेल में मिलेगी सिर्फ दाल। मुल चलाने वाले जेल में पौधों को पानी देते नजर आएंगे, या फिर सलाखों के पीछे से आजाद दुनिया को हसरत से तकेंगे। एक दफा फिर सुनिए, मैं इसको कैमरे के साथ क्लोज करता हूँ, वहां नहीं लगा सकता। उसकी वजह यह है कि ये इनका क्लिप है और फिर हमें YouTube से फिर वो मसला बन जाता है। ये मैं वैसे ही सुना सकता हूँ, ये मैं कैमरे को क्लोज करके, ताकि आप देखें ये सहाफत हो रही थी। अब ये कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। अब ये इस तरह की कोई स्क्रीन पे अडियाला के गाने चलेंगे तब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। आपने देखा ही नहीं है, आपने कहा कि हम तो कब्र तक इक्तदार में रहेंगे। मालशिया पालशिया चैनल ऐसे नहीं, मैंने कहा था, मैंने मालूमात की बुनियाद पे कहा है कि भाई ये जो नून लीग वाले, इनके बहुत सारे अंदर के बहुत ही अथेंटिक जराए ने बताया, हमें बताया कि हम जनरल फैज को, इमरान खान को मुआफ़ कर सकते हैं, एआरवाई को मुआफ़ नहीं करेंगे। अब देखते हैं वो आ रहे हैं ना, तो उनके साथ क्या करते हैं। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं खुद कहूंगा कि आप इनके कान जरूर पकड़वाएं, इनको सोटियां जरूर मारें। ये देखें, ये करीब होके जरा देखें। सलामत और शहजादी के लिए नर्म मुलायम बिस्तर ना होंगे मैसर, ना होंगे एवनफील्ड अपार्टमेंट, ना जाती उम्रा के महलात, जेल में मच्छरों और खटमलों से होगा मुकाबला। बड़ी मार पड़ेगी तुम्हें जेल, भेद तेरा करूंगी मियां। कहां फज्जे के पाए, कहां कीमे वाले नान, जेल में मिलेगी सिर्फ दाल। मुल चलाने वाले जेल में पौधों को पानी देते नजर आएंगे, या फिर सलाखों के पीछे से आजाद दुनिया को हसरत से तकेंगे। लो जी, आपने सुन लिया, बकवास की जाती है यहाँ पे। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी जब अडियाला वाले गाने चलेंगे स्क्रीनों पर, जब इस तरीके से स्क्रीनों पर अडियाला वाले गाने चलेंगे, जब मुबारकबादें चलेंगी, जब मिठाइयां खाते हुए लोग नजर आएंगे। आपको मरियम नवाज मिठाई खाते हुए नजर आई? आपको नवाज शरीफ मिठाई खाते हुए नजर आया? उन्होंने मिठाइयों वाली तस्वीरें, मैं कल देख रहा था, सिराजुल हक साहब ने बड़ी मजम्मत की है, और फिर उसके साथ लगा हुआ था कि जब नवाज शरीफ को सजा हुई उस वक्त सिराजुल हक साहब मिठाइयां खा रहे थे, उस वक्त इमरान खान साहब मिठाइयां खा रहे थे, उस वक्त आरिफ अलवी साहब मिठाइयां खा रहे थे। भाई जो करोगे, अल्लाह का कानून है मुकाफात अमल। आप गढ़ा खोदोगे दूसरों के लिए, ये हो ही नहीं सकता कि मरने से पहले बंदा उस गढ़े में ना गिरे, ये हो ही नहीं सकता। हम कानून फितरत को, कानून कुदरत को झुटला सकते हैं, उल्टे हो जाए नहीं झुटलाएंगे। आप गंद करें और आप कहें कि हमें इंसाफ से, हमें सजा भी दी जाए तो प्यार से दी जाए, ये कैसे हो सकता है भला। ये जज साहब हैं जिन्होंने सजा दी है, मोहम्मद बशीर साहब इनका नाम है, इनको इमरान खान ने कहा था जब इन्होंने नवाज शरीफ को सजा दी थी, कहा था ये हीरा जज हैं, हीरा। उसी हीरे जज ने आपको 14-14 साल कैद बामुशक्कत दी है, और बुशरा बीबी जाके गिरफ्तारी दे दी है उन्होंने जेल में, ये हीरा जज है। हीरा जज देख लिया आपने, ये हीरा जज छुट्टियों पे जाना चाह रहा था। अभी ये रिटायर होने वाले हैं चंद हफ्ते बाद,
जज मोहम्मद बशीर साहब एहतसाब अदालत ने अदालत में इन्होंने बड़ा अरसा गुजारा और जज मोहम्मद बशीर साहब और ये रिटायर होने वाले हैं और रिटायरमेंट से पहले ये छुट्टी ले रहे थे, छुट्टी ले के खिसकना चाह रहे थे, भागना चाह रहे थे, अगलों ने पकड़ लिया किधर जा रहे हैं, पहले खान साहब की सियासी छुट्टी करवा के जाएं, ज़रा अपने प्यारे प्यारे कलम से खान साहब की छुट्टी करवा के जाएं, बाद में जाइएगा, अब आप जाएं छुट्टी पे बड़े खुशी से जाएं, ठीक है ना। अब आज आए हैं जनाब और उन्हें कहा है, खान साहब को बुलाया है, खान साहब मच्छर गए कि जनाब मुझे तो यहाँ पर बुलाया गया था हाजिरी लगवाने के लिए, ये तो धोखा हुआ मुझसे। और फिर खान साहब लाते मारते हुए गुस्से से और वो दोबारा अपने बैरक में चले गए। उनकी अदम, अब लोग इतराज़ कर रहे हैं, उनकी अदम मौजूदगी में सजा सुनाई गई है। नवाज शरीफ और उनकी बेटी वहाँ लंदन में थे जब उनको सजा सुनाई गई, याद है आपको, ठीक है ना। लोग कहते रहे भाई यार मुल्ज़मान को आने दें, ये कौन सी ऐसी जल्दी है, लेकिन उन्होंने कहा हो सकता है वो इलेक्शन के बाद उनका प्लान बन जाए, हमने उनको इलेक्शन से पहले सजा देनी है, 10 साल की कैद, उधर भी 10 साल की कैद। होता ना, ये होता है मुकाफात अमल, ये होता है अल्लाह की तरफ से टिट फॉर टैट। ये उसी जज बशीर ने सजा सुनाई, उसी जज बशीर ने सजा सुनाई, है ना, वही अडियाला और इधर भी वही अडियाला। अब मैं कितने कंपैरिजन करूं, ये इस तरीके से बंदा कहता है ना कि मैं मामला अपना अल्लाह पे छोड़ता हूं। ये एक निजाम कुदरत है जिसको कोई नहीं कैलकुलेट कर सकता, जिसको कोई नहीं। और हम आम तौर पे करते हैं, हम कमज़ोर हैं ना ईमानी हिसाब से, ना ईमानी तौर पे हम सारे कमज़ोर हैं ना भाई जनाब। वो उन्होंने गंद तो बड़ा किया लेकिन बस उनको यूं नहीं करना चाहिए था भाई, कुछ तो है, कुछ तो मुकाफात अमल है, कुछ कुदरत का इंतकाम होता है जो हर सूरत में लिया जाता। आज मैं गंद करूँगा कल मेरे साथ गंद होगा, ठीक हो गया ना। आज मैं किसी के साथ बुराई करूंगा कल मेरे साथ बुराई होगी, आज मैं किसी के लिए गढ़ा खोदूंगा कल मेरे साथ होगा। आज आप कहेंगे मैं तो आईजी को अपने हाथों से फांसी दूंगा। ये ट्रंप दुनिया का वाहिद सुपर पावर, उसका वो सदर, एक पुलिस के आईजी ने उसे कहा था इसकी जबान बंद करो, इसको कहो शट अप कॉल दी उसने, और ये यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब ये अपोजिशन लीडर खड़े होके कहते हैं कि मैं आईजी ताहिर आलम तुझे अपने हाथों से फांसी दूंगा, ओए राना सनाउल्ला मैं तुझे मूछों से पकड़ के जेल में डालूंगा, जाके मैं नवाज शरीफ के सेल का एसी उतरवाऊंगा। ये आपने किसको वज़ीर आज़म, ये किसी जग्गे डाकू को बना दिया था वज़ीर आज़म या किसी को किसी, ये सियासतदान ऐसे होते हैं, लीडर ऐसे होते हैं जिनके कंधों पर चढ़ के आए हो उनको धमकियाँ देना शुरू कर दी है। मैं कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, आप कहें कि जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर पॉलिसी दोनों की एक ही है, हो सकता है इधर उधर उनका वो जो है ना मिजाज थोड़ा डिफरेंट हो, उसमें जो इदारे की पॉलिसी है वो एक है, अगर किसी को नज़र नहीं आता तो वो समझा ही नहीं है एस्टेब्लिशमेंट को, वो एजेंसीज को, वो GHQ को, वो पाक फौज को, वो इनको समझा ही नहीं है। हमने कुछ अर्सा पहले, मैं एयरवाई में था, हम मुशर्रफ साहब का जमजमा में उनका घर था जहां वो रह रहे थे, वहां पर वो उधर ही डिफेंस में, तो वो कराची में, तो हम उनका इंटरव्यू करने के लिए गए, तो इंटरव्यू के दौरान भी पूछा, इंटरव्यू के बाद भी पूछा, उनसे गपशप हुई मुशर्रफ, तो हमने उनसे कहा कि वही अफगानिस्तान की पॉलिसी जब जनरल ज़ियाउल हक थे तो उनकी टोटली डिफरेंट थी, जब आप आए तो फिर आप टोटली डिफरेंट, ठीक हो गया ना। तो वो फिर उन्होंने वहाँ मुजाहिदीन के साथ और आपने फिर उठ के उलट, तो ये किसान उन्होंने कहा भाई देखिए बात सुने, जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम बदलती है, लेकिन वो इदारे के साथ होती है। अगर मैं उस वक्त होता जिस दौर में जनरल ज़ियाउल हक थे तो मैं भी वही कुछ करता जो जनरल ज़िया ने किया, और अगर जनरल ज़िया मेरे दौर में होते और मेरी जगह पर होते तो वो भी वही कुछ करते जो जनरल मुशर्रफ ने किया, और ये बात उनकी 100% ठीक है, ये इंटरव्यू रिकॉर्ड पे पड़ा है, आप सुन सकते हैं, ठीक हो गया ना। अब ये कहें कि मैं जनरल बाजवा को तो गालियां दूंगा, मैं उनको जानवर कहूंगा, मैं उनको कहूंगा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, मैं उनको गद्दार कहूंगा पूरे इदारे को, मैं उनको, और फिर मैं आग लगा दूंगा 9 मई में। आज भी आप यकीन कीजिए कुछ जूनियर ऑफिसर से, अब नाम नहीं लेना, रबता होता है तो कहते हैं जी पहले बहुत सारा इस तरह की सूरत हाल थी, लेकिन खान साहब ने जब से शहदा की यादगारों को तोड़वाया है, जब से GHQ को आग लगाई है, जब से कोर कमांडर हाउस जलाया है, जब से तब से जो उनके जो हमदर्द भी हैं ना वो भी बैकफुट पे चले गए हैं,
वो भी उनको बैक फुट पे चले गए हैं, क्योंकि अब वो उनकी हमदर्दी इस तरह से अपने आप के साथ दुश्मनी करनी है जब खान साहब के साथ अगर हम हमदर्दी करेंगे। पहले वाली को डिफरेंट सूरत हाल थी, पहले वाली सूरत हाल थी कि जनरल साहब आए, नए आर्मी चीफ साहब आए, हमें खुद लोगों ने, खुद जो वहाँ पर चश्मदीद गवाह थे, वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने इनिशियल जिस तरह से विज़िट किए जाते हैं ना, वेलकम दौरे होते हैं या जो भी होते हैं उनको, जिस तरीके से वो कहते हैं, वो फिर जब आते ही विज़िट तो मुख्तलिफ जगहों पे वो जाते तो उनसे क्वेश्चन हो जाते हैं। हालांकि ये बड़ा अनयूजुअल था, ऐसे होता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं उनसे क्वेश्चन हुए, और बाज़ोकात तो कुछ जगहों पर तो कुछ बदमजगी भी हुई और कुछ जगहों पर तो कुछ लोगों को सैक भी किया गया। लेकिन जब ये 9 मई का वाकया खान साहब ने किया तो तब तो सारे जो किसी की हमदर्दी थी भी सही, वो सहम गया कि अब इस शख्स के साथ हम हमदर्दी करें कि जिसने शोहदा की यादगारों को तोड़ दिया है, जिसने शोहदा की यादगारों को आग लगवा दी है, इसके साथ हम हमदर्दी करें। भाई आपने ये सोचा था, वो अन्नी मचाई थी, वो तबाही मचाई थी आपने, आपने ये सोचा था भाई नऊज़ु बिल्लाह को मैं खुदा हूँ, मेरा इक्तदार कोई दायमी रहेगा, कोई खुदा न खास्ता मैं तो ख़त्म होने वाला इक्तदार नहीं है, एक इक्तदार दायमी है उस ज़ात का, परवरदिगार का, बाकी सब जो है ना फना होने वाले हैं। यहाँ तो आप देख लीजिए के अंबिया चले गए, ज़ाहरी तौर पे गए, जिस तरह से अंबिया चले गए, आप हैं कौन जो आप इस तरीके से जो है ना आपने हुलड़बाजी जो मचाई थी, तो ये हुलड़बाजी मचाई। लोग कह रहे हैं, अब मैं आपको उस इशू पे आता हूँ, लोग कह रहे हैं जनाब कि क्या होगा, ये तो हाई कोर्ट में उड़ जाएगा, हर उनको नहीं पता जिस जज ने सजा दी है, या चलें मैं आपको खुश करने के लिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने सजा दिलवाई है उनको नहीं पता हाई कोर्ट में उड़ जाएगा, उड़ जाए, 4 महीने गुजर जाएंगे, दोनों केस, एक और एक आध केस आ जाएगा, वो 9 मई वाला, वो बड़े इत्मीनान से सजा देंगे, वो अपनी लेजिस्लेशन करके सजा देंगे, चलो जी ये हाई कोर्ट में उड़ गया, दूसरा भी उड़ गया, उड़ते उड़ते 4-5 महीने हो जाएंगे, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो जाएंगे, तब तक नई गवर्नमेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट बन जाएगी, फिर क्या होगा, फिर क्या। मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ और सिर्फ खान का रास्ता अगर खुलेगा भी सही तब खुलना है, इसका नहीं खुलेगा फिर भी किसी और का खुल सकता है, कि जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ की गड़बड़ होगी, और अब की बार नवाज शरीफ पक्का तहिया करके बैठ, मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ भाई, मैं श्योरली नहीं छोड़ता इंशाल्लाह, पक्का तहिया करके बैठा है कि क्या हमने ही ठेका लिया है कि हर दफ़ा दीवार के साथ टक्कर मारें। मैं आपको ये मेरा क्लिप आपने नोट करके काट के रखना है, काट के रखना है अपने पास, मुझे फिर दिखाना है। अब की बार नवाज शरीफ ने कहा है टक्कर नहीं मारने, अब के बार नवाज शरीफ ने कहा है, नवाज शरीफ ने ये पक्का तहिया किया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर नहीं लेनी, आर्मी चीफ के साथ टक्कर नहीं लेनी, उनके साथ गड़बड़ नहीं रखनी, उनके साथ दोस्ती रखनी है, उनके साथ सही चलना है, उनके साथ मिल के चलना है। तो जब तक वो मिल के चलते रहें खान साहब उल्टे हो जाएं, कुछ नहीं होता। खान साहब अगर आप भी मिल के चलते रहते तो आज नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होते ही ना, आज नवाज शरीफ साहब वहीं पे बैठे होते लंदन में, अगर आप मिल के चलते होते। आपने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है भाई, आपने ये कौन सी बात है, ये कोई बात कोई पूछने वाली है, ये बच्चे बच्चे को पता है सब कुछ। अब उन्होंने तहिया किया है कि हमने 2 बातों पर सख्ती से, अब उनको पता चल गया है, उन्होंने कहा ये नहीं तो कोई और इमरान खान आ जाएगा, ये नहीं तो कोई और साहब आ जाएंगे, हमारा पत्ता हमेशा के लिए कट जाएगा, साफ हो जाएगा। 2 बातों के लिए उनका तहिया है। मैंने कहा है ना, मेरा क्लिप काट के रखें, मुझे बताएं फिर मुझे भिजवाएं, ये आप सोशल मीडिया पे अदरवाइज लगा दें। 2 बातों के बारे में मुझे उनके इंटरनल सफ़ों से पता है और मुझे पूरी मालूमात है 2 बातों के हवाले से। एक उनका तहिया है नवाज शरीफ का भी, नून लीग का भी कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर नहीं लेनी, हमने आर्मी चीफ को नहीं छेड़ना, हमने एजेंसीज को नहीं छेड़ना, हमने इस तरीके से उनके साथ टक्कर नहीं लेनी, क्योंकि उनको पता है कि टक्कर लेने से तबाही होती है, पाकिस्तान की भी, पाकिस्तान के अवाम की भी, अपनी जमात की भी, अपने लोगों की भी, हमें तकालीफ भी होती हैं। एक बात पक्का तहिया उनका। दूसरा पक्का तहिया है कि दिन रात एक कर दो, इकॉनमी को ठीक करो, प्याज की कीमतों को वापस करो, चीनी की कीमतों को वापस करो, गंदम की कीमतें कंट्रोल करो, आटा सस्ता करो, फूड आइटम सस्ते करो, बिजली सस्ती करो, पेट्रोल सस्ता करो, जिससे डायरेक्ट अवाम के साथ जो चीज़ें रिलेटेड हैं
उनको सस्ता करो, तनख्वाहें बढ़ाओ, ये सारी चीज़ें करो ताकि एक साल, दो साल, चार साल बाद, कम से कम तीन साल के बाद, कम से कम लोगों को पता चले कि हाँ यार, ये शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। अब वोट उसको दो जो तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी आसान बनाता है। ये दो बातें उन्होंने तहैया किया हुआ है। मैंने आपको बता दिए मालूमात की बुनियाद पे, उनको पता है, उन्होंने आपस में डिस्कस करना है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये इमरान खान ना सही, कोई और आ जाएगा ना, कोई और जमात आ जाएगी, कोई और बंदा निकल आएगा, हमारा पता फिर हमें और मौका नहीं मिलेगा। ये उसको एक लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट चांस के तौर पर ले रहे हैं कि ये हमारा आखिरी मौका है, इसको हमने गंवाना नहीं है। इसी नेगेटिव पॉइंट को, इसी तकालीफ को, इस आखिरी मौके को, इसको हमने एक चांस समझना है, इसको हमने नेमत के तौर पर इस्तेमाल करना है, हमने बिल्कुल अपनी जान लगा देनी है इस पर, और इस पर हमने अपना जो है ना पूरे क्या पूरी तवज्जो देनी है, पूरा टाइम लगाना है, पूरा एनर्जी लगानी है, अपने दोस्तों को, इंटरनेशनल दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करनी है, उनको उनके तवस्सुत से भी, उनके तावन से भी, और इंटरनली एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मिलके हमने मुल्क को आगे ले जाना है, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की तू मैं नहीं करनी। अब ये है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें ये चाहिए कि ये नहीं चाहिए, ये तबलीगाना सहाफत मैंने कभी नहीं की जो आजकल तबलीगाना सहाफत शुरू हो गई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।